हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो भी सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो भी देख लो, सीएसआर जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी को होने जा रहा है। 29 जनवरी को होने जा रहा है, मतलब इसके जो फॉर्म की डेट है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। और इसके अलावा इसके साथ में वो एक और न्यूज़ क्या है, 2 मोर राउंड टू बी हेल्ड आफ्टर दिस, मतलब इस 29 जनवरी के बाद में 2 राउंड और होंगे, 2 एग्ज़ाम और होंगे, 2022 में ही होंगे। मतलब 2022 के अंदर टोटल 3 एग्ज़ाम होंगे। इनमें से एक तो 29 को होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो दोनों एग्ज़ाम होंगे एक जून में होगा एक दिसंबर में होगा। तो इनमें 3 कैटेगरी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जनवरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में 2 महीने हैं। 2 मंथ में क्या करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी, 1-2 दिनों में, आने वाले दिनों में, ठीक है। 2 महीने में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सब चीज़ें तुम्हें पता लग जाएगी एक वीडियो में। उसके अलावा बात करते हैं अपने जून और दिसंबर का, जो एग्ज़ाम अपेयर करना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने, उनके लिए एक बैच भी लॉन्च हो रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पर 2 बैच लॉन्च हो रहे हैं, और बैच की मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले ही बताया था बैच के बारे में। बैच आने वाला है अपना, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। कुछ ऐप पे काम चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है। तो बैच सीएसआईआर नेट के लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है जून के लिए, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं जून 2022 में, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए एक बैच लॉन्च होगा। और गेट के लिए एक बैच लॉन्च होगा, गेट का अलग बैच लॉन्च होगा यहाँ पे, गेट 2023 के लिए अलग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ गेट की अलग होगी और कंटेंट लगभग सेम रहेगा, कोई सिलेबस अलग नहीं होता गेट का, सेम सिलेबस होता है, पर बैच अलग बनेगा इसका। जो भी जो स्पेशल गेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सीएसआर नेट के लिए तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जो सीएसआर नेट में, जो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम देंगे वो तो गेट, वो गेट का भी दे सकते हैं और सेम रहेगा, बट गेट की एक लास्ट में जो टेस्ट सीरीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, और कोई चीज़ नहीं। और इसके अलावा बैच अलग होने के कारण क्या, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की रहने वाली है, इस वजह से भी ये जो बैच अलग होगा। बाकी कंटेंट है वो 99% सेम कंटेंट होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा कंटेंट, बस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो 1 ईयर वैलिडिटी है, इस वजह से अलग लॉन्च कर रहे हैं। और लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐप पे काम चल रहा है अभी, काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं सर कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, किस डेट को लॉन्च होगा, तो ऐप पे काम चल रहा है, बहुत जल्द काम खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के लास्ट वीक में, लास्ट वीक मतलब 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो जाएगा। और एक बैच में क्या क्या होगा, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, क्लास टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ तुम्हें उस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब लॉन्च करेंगे अपने। और इसके साथ में ठीक है, और जो फीस है, फीस भी एकदम नॉमिनल फीस रहेगी, तुम खुश हो जाओगे फीस देके, और एकदम अफोर्डेबल फीस होगी जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और कंप्लीट एकदम बहुत क्वालिटी कंटेंट होगा, तुमने पहले ही देखा है यूट्यूब पे, एकदम क्वालिटी कंटेंट होता है मेरे वीडियोस में, क्वालिटी कभी डाउन नहीं होगी। इससे जो यूट्यूब वीडियो है उनमें से यूट्यूब का कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं होगा उस बैच के अंदर, एकदम फ्रेश नई वीडियो होगी सारी की सारी, ठीक है। और कंप्लीट पैकेज होगा एक, जो सिर्फ दोनों बैच है, सीएसआर नेट की बात करें, गेट की बात करें, ठीक है। तो लॉन्च करेंगे 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, और 100% मोस्ट प्रोबेबली इस डेट को अपने लॉन्च कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, बस ऐप पे काम चल रहा है इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो जनवरी वाले जो स्टूडेंट है, जनवरी में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना दूंगा, और बहुत ही ज़्यादा अपना बैच भी लॉन्च हो जाएगा, और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। और जनवरी दो जो जून 2022 और दिसंबर 2022 है, इनमें हमें सिलेक्शन लेना है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जल्दी ये तुम्हें वीडियो मिल जाएगी 2 मंथ वाली, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली, अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, काफ़ी कंपटीशन है, ठीक है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे अपना दो, टाइम इन्वेस्ट करो और बहुत अच्छे से तैयार करो, रिलैक्स रह के करो, गाइडेंस फॉलो करो। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा तुम पढ़ रहे हो और गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बुक खोल के पढ़ रहे हो तुम, एक ही टॉपिक में लगे हुए पूरे पूरे दिन, वैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने हो सके, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, गेट के, नेट के, जस्ट के, जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करो। बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें और बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो।